जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के वीडियो में दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि मैं सीलिंग के बारे में बताऊंगा और सीलिंग के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से हम लोग सीलिंग को बनाते हैं। सीलिंग एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपके रूम के इंटीरियर को अच्छा बना देती है। सो कोशिश करिएगा, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। और दोस्तों, सीलिंग को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। वहाँ पे एक बेल आइकन होती है, उसे क्लिक करो जिससे कि मैं डेली आपको जो नए वीडियोस दे रहा हूँ आप तक उसके नोटिफिकेशंस पहुँचे। दोस्तों चलिए, होप आपने मेरी बात को सुना होगा और उसको क्या लाइक सब्सक्राइब किया होगा चैनल को। अब आगे चलते हैं, हम लोग किस तरह से हम लोग को अपने सीलिंग को बनाना है उसको देखेंगे। सीलिंग को बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पे जस्ट वॉल पे आपको क्लिक करना पड़ता है। और वॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तो आपकी वॉल की हाइट कितनी चल रही है, इसमें 20 फीट चल रही है, इसको आप 10 फीट कर दीजिए। और आफ्टर इट दिस दोस्तों, जस्ट जैसे सपोज मैंने एक छोटा सा रूम तैयार किया एंड रूम का साइज दे दिया हमने 100, जस्ट लाइक ओके, एडिट कर दिया हमने इसको, किया 14x14 का कर दिया। जस्ट दिस वन इज योर 14 एंड आई वांट दिस वन इज आल्सो 14। सो जस्ट एडिट बोथ एंड आफ्टर इट दोस्तों, लाइक मैं इस पे सीलिंग बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सीलिंग बनाने के सबसे पहले, सीलिंग तो बहुत आसान होता है रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ सीलिंग किस तरह से बनाते हैं इसमें। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए तो आपको सीलिंग का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आपको सीलिंग पे क्लिक करना है। और सीलिंग पे क्लिक करके आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्या, ऑटोमेटिक सीलिंग, एंड एक ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, स्केच सीलिंग। ओके, तो स्केच सीलिंग में आपको अपनी सीलिंग को खुद बनाना पड़ता है दोस्तों, बट ऑटोमेटिक सीलिंग में आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने तुरंत एक सीलिंग बन के आ जाएगी। अगर आप उस सीलिंग को देखना चाहते हो दोस्तों, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे व्यू पे जाना है। और व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे 3D व्यू पे क्लिक करना है। अब इसको अगर रियलिस्टिक में आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे विजुअल स्टाइल पे क्लिक करो दोस्तों, और यहाँ पे रियलिस्टिक व्यू कर दो। और जैसे ही आप इसको देखोगे, आप इसको अगर एक वॉल को हमको हाइड करना है, चलिए मैं आपको हाइड करना भी इसमें बता देता हूँ। हाइड करने के लिए आप यहाँ पर टेम्परेरी हाइट का ऑप्शन होता है, जस्ट यहाँ पे हाइड कर दीजिए। इस हाइट से आपको फायदा क्या होगा, इस हाइट से आपको पता चल जाएगा कि कैसी सीलिंग बनी हुई। देखिए दोस्तों, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इस तरह की सीलिंग बनी हुई है, ठीक है। मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कोशिश करूंगा कि आपको मटेरियल के बारे में एक्सप्लेन करूँ। मटेरियल इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लगा सकते हैं आप, जैसे कि इसमें एक बाई डिफॉल्ट मटेरियल लग के आया हुआ है, बट आप चाहते हो कि माई ओन मटेरियल्स, लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड योर टेक्सचर फ्रॉम गूगल और नेट एनी वेयर, जस्ट यू कैन मेक हेयर दैट मटेरियल वेरी वेल, एंड देन योर इफ़ यू वॉन्ट टू अप्लाई दैट मटेरियल यू कैन अप्लाई हेयर। तो दोस्तों आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से इस पर हम लोग सीलिंग कितना आसान है, जस्ट एक क्लिक किया और इस तरह से सीलिंग हमारी बन के तैयार हो गई। दोस्तों अब इसी सीलिंग पे अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए डिलीट कर दूं, और डिलीट करने के बाद मैं चाहता हूं इसमें एक अपनी खुद की सीलिंग की डिज़ाइन स्केच करूं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जाना चाहिए दोस्तों। और ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हो सीलिंग्स पे, और सीलिंग्स पे क्लिक करने के बाद देखोगे तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, स्केच सीलिंग, ठीक दोस्तों। तो इसके सीलिंग लीजिए, और इसके सीलिंग लेने के बाद देखिए तो यहाँ पे आपको व्यूज़ मिल गए। आप जैसी सीलिंग डिजाइन करना चाहते हो उस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करो। सपोज जो अभी मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक आपको मिलता है पिक्स एक्सिस। इफ़ यू वॉन्ट टू नो लाइक व्हाट इज पिक्स एक्सिस, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे, देखो ये क्या कर रहा है, आपको एक्सिस पिक करके देता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे किस लिए बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे इसके सीलिंग बनाने के लिए बैठे हैं। तो इसके सीलिंग के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया स्टार्ट इन रेडियस, और लाइक सपोज यू वॉन्ट टू मेक योर स्पैलन सेफ फॉर सीलिंग, तो आप स्पैलन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम स्टार्ट इन रेडियस यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट इन लिया और इस तरह से हमने सीलिंग को बनाने की कोशिश किया। मेरे सीलिंग लाइक अभी जैसे सपोज आप ऐसी सीलिंग बनाना चाहते हो, आप ऐसा टेक्सचर दे दो। अगर आप चाहते हो सीलिंग कुछ इस तरह से बने, तो आप इस तरह से इसको जस्ट करो, और करके आपने इस तरह से मिला दिया। अब दोस्तों ये देख रहे हो आप, तो ये लाइक सही तरीके से बन चुका है इस पूरी की पूरी सीलिंग। बट लाइक अगर आपका ये दोनों सीलिंग ज्वाइन नहीं है, ये तो क्या करेगा, ये सीलिंग आपका बनाएगा नहीं। उसके लिए दोस्तों कंफर्म करने के लिए ज्वाइन है कि नहीं, यहाँ पे ट्रिम कमांड लीजिए, और ट्रिम कमांड लेने के बाद यहाँ पे शिफ्ट बटन पे क्लिक करिए, और उसके बाद यहाँ पे लाइन पे क्लिक करिए, तो आप कन्फर्म हो जाएंगे कि इस पर सीलिंग बन चुकी है। तो हमने सीलिंग का जो टेक्स्चर दिया कुछ इस तरह का शेप दिया सीलिंग्स के लिए, और इसको देने के बाद यहाँ पे जैसे आप फिनिश मॉडल पे क्लिक करोगे और इसको 3D में देखोगे, तो आपको एक अच्छी खासी सीलिंग्स डिजाइन होके मिल जाएगी। देखिए हमने एक नॉर्मल और अच्छी सीलिंग्स डिजाइन करके आपको दिखाया। इस तरह से अगर आपके पास थोड़ा सा और अगर आप टाइम इस पे दोगे, तो और भी अच्छी अच्छी टाइप्स के सीलिंग, जैसे आप अगर चाहते हो यस शेप की सीलिंग बनाना, तो यहाँ पे यस शेप की सीलिंग बनाओ। हमने कई प्रोजेक्ट्स में क्रॉस
सीलिंग्स बनाया, क्रॉस सीलिंग्स भी इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे बना सकते हो आप। तो दोस्तों लाइक सीलिंग बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी टफ काम नहीं है सीलिंग बनाना रेविट आर्किटेक्चर में। और डिपेंड करता है आप किस टाइप की सीलिंग बना रहे हो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सीलिंग बनाने के लिए कोई एक सीलिंग की डिजाइनों को आप सामने रखिए और उनको प्रीफर करके फिर डिजाइन को बनाएंगे तो आप बेटर डिजाइन बना सकते हैं। जब आपके सामने कोई सैंपल होता है तो डिजाइन बनाना आपके लिए आसान होता है। दोस्तों होप आपको समझ आया होगा, मैंने एक रूम में एक सैंपल दिखाया सीलिंग का। आगे कोशिश करूंगा कि एक प्रोजेक्ट बनाऊँ और उसमें आपको सीलिंग की अच्छी खासी डिजाइन बना के दिखाऊँ। ठीक, आज के लिए दोस्तों इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। लाइक आप लोग अच्छा देख रहे हो और कमेंट कर रहे हो, और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल मैं फिर किसी नए सेशन के लाइक किसी नए टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने अभी स्ट्रेस के बारे में डिस्कस नहीं किया है, और कुछ कंपोनेंट्स अगर हम खुद से बनाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूड स्वीप एंड अदर कमांड्स, तो उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच यार देखने के लिए, एंड वंस अगेन जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।